हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ स्किन पैम्परिंग। जी हाँ, आप घर पर अपने फेस को कैसे खुद पैम्पर कर सकते हैं इसके बारे में बताऊंगी एंड किस प्रोडक्ट का यूज करके मैं अपने फेस पर ग्लो लाने वाली हूँ वो भी बताऊंगी। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं फेस्टिव सीजन है, देन उसके बाद वेडिंग सीजन है, तो सबको अपने फेस पर चाहिए एक नेचुरल ग्लो एंड ड्यूइनेस। सो गाइस, उसके लिए जाना पड़ता है हमें पार्लर एंड खर्च करने पड़ते हैं बहुत सारे पैसे, बट यहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बहुत लिमिटेड प्राइस में आप अपने फेस पर एक अच्छा खासा ग्लो ला सकते हैं, वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ूँ एंड वीडियो में मैं आपको डेमो दिखाऊँ, उससे पहले आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल बटन को हिट, ताकि आपको मेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। एंड वन मोर थिंग गाइज, आप मेरा कम्युनिटी पोस्ट देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें मैं आने वाली वीडियोस का अपडेट देती रहूंगी। सो विदाउट फर्दर डिले, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये अमेजोन की तरफ से मुझे रिसीव हुआ है एक पार्सल, जो कि इस तरह का है। पैकेजिंग आप देख सकते हैं, मैंने ओपन कर दी है। अमेजोन की ऑलमोस्ट पैकेजिंग सेम होती है एंड वो अपने प्रोडक्ट को काफ़ी सिक्योर करके भेजता है। सो गाइज, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सो गाइज, ये है वो प्रोडक्ट जिसकी हेल्प से मैं अपने फेस पर लाने वाली हूँ ग्लो, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सो गाइज, यहाँ पर लिखा है नेचर एसेंस जेंटल फ्रूट फेशियल किट फॉर ग्लोइंग स्किन दैट इज फ्रेश एंड नरिश्ड। सो गाइज, इनका कहना है कि ये फ्रूट फेशियल किट है एंड इससे आपके फेस पर आ जाएगा नेचुरल ग्लो, आपकी फेस हो जाएगी नरिश। देन बात करते हैं आगे के स्टेप्स के बारे में। सो गाइज, इसके एमआरपी प्राइस की बात करें तो इस पर इन्होंने लिख रखा है 260 रुपीज़ एंड यहाँ पर इन्होंने मैंशन कर रखा है 3 यूज़ पैक, यानी आप इसे 3 टाइम्स यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर 4 स्टेप्स मेंशन है, देन यहाँ पर एक स्टेप और भी है जो आपको सबसे पहले करना है इन 4 स्टेप्स से पहले, तो चलिए बात कर लेते हैं उन स्टेप्स की। सो गाइज, यहाँ पर डिटेल्स दे रखे हैं जो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। यहाँ पर लिखा है गेट अ पार्लर लाइक ग्लो एट होम। सो गाइज, यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है वो है प्री फेशियल प्रेप D10 थेरेपी वाइप ऑफ मास्क। जी हाँ, जो फर्स्ट स्टेप आपको करना है कि D10 मास्क को अप्लाई करना है अपने फेस पर, देन वेट वाइप की हेल्प से रिमूव कर लेना है। इससे आपके फेस पे जो भी डस्ट होगी, D10 होगा, वो सब क्लीन हो जाएगा। ये सभी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी डेमो में। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो गाइज, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है जेंटल फ्रूट आलमंड क्लिंजर। तो जो D10 के बाद आपको स्टेप फॉलो करना है, यानी कि आपको अपने फेस को करना है क्लिंज आलमंड क्लिंजर की हेल्प से। सो गाइज, इससे क्या होगा कि आपके फेस के ओपन पोर्स में जितनी भी डस्ट है वो ईजिली रिमूव हो जाएगी एंड ये स्टेप करने के बाद आपका फेस हल्का क्लीन हो जाएगा। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है जेंटल फ्रूट ऑरेंज स्क्रब एंड पैक। आपको अपने फेस पर अप्लाई करना है स्क्रब, इससे जो भी आपकी डेड स्किन होगी आपके फेस पर वो रिमूव हो जाएगी। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो इन्होंने लिख रखा है जेंटल फ्रूट सैफ्रन मसाज क्रीम। यस गाइज, आपको नेक्स्ट स्टेप में अपने फेस पर करनी है मसाज, जिससे कि आपके फेस का ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से बना रहेगा। अगले स्टेप में आपको अपने फेस पर अप्लाई करना है पैक, जो कि यहाँ पर लिखा है जेंटल फ्रूट एप्पल पैक। इसको अपने फेस पर अप्लाई करना है, कुछ देर के लिए छोड़ देना है एंड इसको रिमूव करने के बाद आपके फेस में आएगा ग्लो। सो गाइज, ये तो हो गई इसकी डिटेल एंड अगर आप भी इसे बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये आपको अमेजन एंड फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा इजीली, आप इसे बाय कर सकते हैं। एंड फ्रूट फेशियल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये मेरा वेरी फर्स्ट टाइम है जब मैं फेशियल अप्लाई करूँ अपने फेस पर, वो भी घर पर। तो सो आई थॉट कि मुझे कुछ नेचुरल ट्राई करना चाहिए, तो मैंने ये फ्रूट फेशियल मंगाया है। इसके अलावा भी 3 या 4 ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएंगे, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी ट्राई कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो ट्राई कर सकते हैं। सो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, देखते हैं इसकी ट्यूब्स। सो गाइज, ये कुछ ऐसे ओपन होता है एंड आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 5 स्टेप्स दिए हुए हैं, 5 ट्यूब्स दिए हैं। ये ट्यूब पैकेजिंग में आता है एंड काफ़ी कूल पैकेजिंग है एंड अच्छे तरीके से आया हुआ है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें ऑलरेडी दे रखा है इन्होंने, ये D10 थेरेपी वाइप ऑफ मास्क है ये। देन उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप है वो है ये क्लिंज जेंटल फ्रूट आलमंड क्लिंजर ये है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ये कंडीशन जेंटल फ्रूट ऑरेंज स्क्रब एंड पैक। नेक्स्ट वन इज नरिश जेंटल फ्रूट सैफ्रन मसाज क्रीम एंड पॉलिश जेंटल फ्रूट एप्पल पैक ये। तो ये 5 स्टेप में आपको मिल रहा है फेशियल किट एंड काफी अफोर्डेबल प्राइस है गाइज। सो अब ये तो हो गई इन सबकी डिटेल, अब चलिए बढ़ते हैं डेमो की तरफ। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया, सो चलिए बढ़ते हैं डेमो की तरफ, लेट्स स्टार्ट।
सो हाय गाइस, अब बढ़ते हैं डेमो की तरफ। जी हाँ, हमें यहाँ पर करना है नेचर एसेंस जेंटल फ्रूट फेशियल किट का डेमो शेयर। तो आप देख सकते हैं मैंने ले लिया। सबसे पहले हमें यहाँ पर करना है D10 थेरेपी वाइप ऑफ मास्क को अप्लाई करना है अपने फेस पर। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह का क्रीम फॉर्म में आता है। तो मैं इसे ब्रश की हेल्प से अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। तो गाइस, अभी लगाते वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो काफ़ी थिक है। तो हमें स्लो स्लो करके अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है, आई एरिया को अवॉइड करना है, एंड इसको अच्छे से पूरे फेस पे स्प्रेड करने के बाद अपने नेक एरिया को बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने अप्लाई कर लिया अपने पूरे फेस पर। देन वेट करना है 10 मिनट्स। तो देख सकते हैं 10 मिनट के बाद ये मास्क मेरे फेस से सूख चुका है अच्छे तरीके से, एंड लग रहा है कि मैंने कुछ अप्लाई ही नहीं किया। देन उसके बाद यहाँ मैं वेट हैंगी की हेल्प से इसे क्लीन कर रही हूँ। आप वेट वाइप भी यूज़ कर सकते हैं एंड फेस भी वॉश कर सकते हैं। तो ये कर लिया है मैंने अपने फेस को वेट हैंगी की हेल्प से क्लीन। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है क्लिंजर। जी हाँ, जेंटल फ्रूट आलमंड क्लिंजर है ये। तो इसको अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई करना है। ये क्रीम फॉर्म में है तो इजी होगा क्लींस करना अपने फेस को, एंड फिंगर की हेल्प से स्लो स्लो मोशन में राउंड राउंड करके अपने फेस को करना है क्लींस। इससे जितनी भी ओपन पोर्स में डस्ट होगी वो अच्छे से क्लीन हो जाएगी, एंड अपने नेक एरिया को नहीं भूलना है गाइज। अपने नेक एरिया पर भी क्लींस करना है। तो देख सकते हैं मैं अपने नेक एरिया पर भी क्लींस कर रही हूँ अच्छे तरीके से फिंगर की हेल्प से। ये मेरा फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। देन वॉश कर लिया मैंने इसको अपने फेस को अच्छे तरीके से। तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ हो गई है स्किन फ़िलहाल तो, एंड काफ़ी सॉफ्ट भी हो गई है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है जेंटल फ्रूट ऑरेंज स्क्रब एंड पैक। आई डोंट नो वाई पैक क्यों लिखा है, बट ये एक स्क्रब है, ऑरेंज स्क्रब है गाइज, एंड इसमें से स्मेल भी ऑरेंज की आ रही है, एंड इसमें छोटे छोटे से पार्टिकल नज़र आ रहे हैं। आई डोंट नो आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो इसको अपने फेस पर करना है। ये काफ़ी थिक है गाइज, इसको अप्लाई करते हुए ही लग रहा था कि ये ड्राई हो गया है। तो ये इतनी इजीली स्क्रब तो नहीं होने वाला फेस पर, बट मैं इसको अप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ अपने फेस पर। आप देख सकते हैं नोज़ एरिया पर कि जहाँ भी मुझे एक्ने और वाइट हेड की प्रॉब्लम है, एंड अपने नेक एरिया पर भी। सो मैंने हल्का सा पानी ले लिया ताकि ईजी हो जाए मेरे फेस पर इसे स्क्रब करना। तो आप देख सकते हैं मैं अपने फिंगर की हेल्प से अच्छे तरीके से स्क्रब कर ले रही हूँ अपने पूरे फेस को, एंड नेक एरिया को, चिन एरिया को। तो एंड इसमें जो पार्टिकल हैं वो थोड़े हार्श थे जो मुझे स्किन पर लग रहे थे गाइस। तो मैं इसको वॉश कर लिया है देन अप्लाई करने के बाद, एंड वॉश करने के बाद काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि रब करते टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा था कि थोड़ी ईचिंग सी हो रही थी फेस पर। तो ये मैंने कर लिया अपने फेस पर स्क्रब अच्छे से क्लीन। तो आप देख सकते हैं, देन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है नरिश जेंटल फ्रूट सैफ्रन मसाज क्रीम। जी हाँ, ये क्रीम है जिसे अपने फेस पर मसाज करना है। इसकी स्मेल बहुत लाइट सैफ्रन जैसी है। तो मैं इसे फेस पर अप्लाई कर ले रही हूँ एंड अच्छे तरीके से इसे मसाज करूँगी अपने फेस पर। मसाज करने का फ़ायदा ये है गाइस कि आपके फेस का ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा एंड आपके फेस पर आएगा नेचुरल ग्लो। तो अच्छे तरीके से इसे हल्का पानी लेकर मैं अप्लाई कर ले रही हूँ ताकि ईजिली इसे स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए मेरी। तो आप देख सकते हैं मसाज करने के बाद ये मेरे स्किन में अब्जॉर्ब हो गया। देन वेट वाइप की हेल्प से, यानी कि वेट हैंगी की हेल्प से मैं अपने फेस को कर रही हूँ क्लीन अच्छे तरीके से। आपको फ़र्क दिखना स्टार्ट हो गया होगा। देन बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ, जो कि है पॉलिश जेंटल फ्रूट एप्पल फेस पैक। जी हाँ, एंड इसके अंदर से स्मेल भी एप्पल की ही आ रही है गाइस। तो ये फेस पैक है जिसे हमें अपने फेस पर अप्लाई करना है। ये इस फेशियल किट का लास्ट पार्ट है जिसे हम फेस पर अप्लाई कर रहे हैं, एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा थिक है। अप्लाई करते वक्त आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी है इसकी भी। तो इसे हमें अपवर्ड मोशन में अच्छे से अप्लाई करना है पूरे फेस पर, नेक एरिया पर। तो ये देख सकते हैं मैंने फटाफट से अप्लाई कर लिया अपने पूरे फेस के ऊपर, आपको दिख रहा होगा। अब हमें वेट करना है इसके सूखने का 10 to 20 मिनट। तो मैं मिलती हूँ आपसे इसे सूखने के बाद। सो गाइज, आप देख सकते हैं मेरा फेस पूरी तरीके से सूख चुका है, ये फेस पैक सूख चुका है, एंड थोड़ा सा खिंचाव हो रहा है पूरे फेस में। तो मैंने ये कर लिया है वॉश फेस पैक को, एंड नाउ अब रिज़ल्ट आपके सामने है गाइज। आई डोंट नो आपको कैमरे में कैसा दिख रहा है, बट रियली इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा था मेरे फेस पर, एंड काफ़ी क्लीन लग रहा था फेस। देख सकते हैं काफ़ी शाइन सी ऐड हो गई है, एंड स्मूथ एंड नरिश हो गया है फेस, एंड बहुत अच्छा रिजल्ट दिया इसने। देन उसके बाद मैं अपने ओपन पोर्स जो मेरे खुल गए हैं इतना सारे स्टेप करने के बाद, उसको ब्लर करने के लिए नेचुरल ग्लो का टोनर अप्लाई कर रही हूँ। और इसको अप्लाई करने के बाद काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा था मुझे मेरे फेस पर, एंड काफ़ी ग्लो कर रहा था, दूर से ही ग्लो कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो आप रेडी हैं अब फेस्टिव सीज़न के लिए एंड वेडिंग सीज़न के लिए, एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा गाइस मुझे इसे यूज़ करके। सो आप भी अगर बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।